हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पावर IAS। मैं हूं अमित, आप सभी जानते होंगे। और आज मैं थोड़ा सा, आज पेपर हुआ ना UPSC का, अभी फर्स्ट पेपर आ चुका है हमारे हाथ में, सेकंड पेपर भी मे बी अभी जस्ट आ जाएगा 10-15 मिनट में। अभी तत्काल मैं वीडियो बना रहा था इसलिए कि जैसे मैंने पेपर देखा और पेपर देखने के बाद बड़ा ही आश्चर्य वाली चीज़ थी इस बार की कि जो स्टैंडर्ड रहा एज अ पेपर, पेपर तो बहुत ईजी है। मुझे लगता है जिसने लूसेंट पढ़ी होगी या जिसने BPSC की तैयारी करता रहा होगा, अब UPSC BPSC बनता जा रहा है। और जो छोटी छोटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए प्रिलिम्स बहुत ईजी था इस बार, बहुत ईजी था। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है उसमें, नदियों के क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि यूनेस्को में कौन सी चीज़ शामिल हुई है, उसका स्टेटमेंट नहीं ठीक से, मतलब एक क्वेश्चन। आप कॉपी भी देखें कितनी पतली है, और मैं ये देख रहा था और आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, तो एक जो स्टैंडर्ड है इसका, देखिए इसमें वाटरफॉल, धौलाधर, और कभी ऐसे क्वेश्चन डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कभी पूछा गया कि ये ब्रिगेडियर, ये आर्मी का, ये भी मैंने निकाला इसमें देखा, तो बड़े अजीब चीज़ें हैं इसमें कि ये कैसा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। अब जो बच्चा UPSC के रियल में तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा इसका, उसे लग रहा है कि इतने स्टेटमेंट आएगा, वो तो लूसेंट पढ़ नहीं रहा, वो तो ये कोई ऐसी छोटी किताबें तो पढ़ नहीं रहा, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, उस पर लिख रहा है, मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी है, तो उस हिसाब से जब वो पेपर देने जाएगा तो उसको तो ये अजीब चीज़ लगेगी, यार क्या ही हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारा तो एक जो स्टैंडर्ड है उसको डाउन करते जा रहे हैं। अगर UPSC में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जाएंगे जो SSC की प्रिपरेशन करके गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम कोई अलग अलग है, एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं होती, एग्ज़ाम सभी की वैल्यू है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना मेंटेन करते हैं एग्ज़ाम में, जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ना आए और आप इस फ्रस्ट्रेशन में फेल हो जाए, इस फ्रस्ट्रेशन में लड़का का सिलेक्शन ना हो कि यार मैंने प्रिपरेशन तो इस लेवल की थी और क्वेश्चन यहाँ से आए हैं तो मैं यहाँ से कैसे डाला था, क्योंकि फैक्ट्स बहुत कम पढ़ता है लड़का, पहले क्या होता था कंसेप्चुअल आता था, अब फैक्चुअल आ रहा है और डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ रहा है, चाहे जिस चीज़ को उठा लो। एक मैंने इसमें कि ये आर्टिकल 21 से क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, जैसे कि 21 को, जून 21 को कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म होगा, सभी को पता है कर्क रेखा में अब जब घूमेगी अर्थ तो दिसंबर में आपका सदर्न पोल पे गर्म होता है और जून में आपका नॉर्दर्न पोल पे गर्म होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके बाद आर्टिकल 21 हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से, मैंने 4-5 बार उसके हर साल में देखता हूँ कि क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ से अब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे देख के मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ों को थोड़ा सा UPSC के जो हमारे चेयरमैन है, जो भी इनको मॉडिफाई कराते हैं पेपर इसको, उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए, जैसे पहले आज से 3 साल पहले 4 साल पहले आता था। ये 2021 से डाउन होना शुरू हुआ है और इस तक तो इतना डाउन हो गया कि ऐसा लग रहा है अगर आप किसी भी अपने घर में जो छोटा बच्चा तैयारी कर रहा होगा किसी एग्ज़ाम की, रेलवे की, SSC बैंक की, उसको देंगे तो वो आपसे बेहतर मार्क्स लेके आ जाएगा। अब इसमें बताइए, ये पेयर बताना है कितना ईजी है कि भारतीय जनता, ये भारतीय जनसंघ पार्टी, इसके लीडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशल पार्टी श्री राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। अब इनमें से ये बताना है कौन सा क्राइटेरिया मैच्ड है, और अब इसको नहीं बता पाएगा आदमी, दिन भर तो न्यूज़ देख रहा है आप पार्टी, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, रोज तो सुनना है। अब ये क्या क्वेश्चन हुआ ये सिर्फ, और इसमें ये भी नहीं है कि मैच कराना है, इसमें ये बताना है 1, 2, 3, अगर तुक्का भी लगाते हो तो हो जाएगा, आपको ये पता कि लगता है 2 तो ठीक है, अब वो भी टेंशन खत्म है आपकी। तो ये जो एक अजीब सिस्टम आया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा कि अब ये देखिए, हु वॉज द प्रोविंसियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, सी राजगोपाल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, TT कृष्णाचारी एंड डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। अब ये इसमें अब बताइए कौन से क्वेश्चन है कि जो आपको लगता है कि UPSC लेवल है इनमें, एक की नहीं है सभी का, चाहे इकोनॉमी में जाइए, चाहे आप हिस्ट्री में जाइए, चाहे पॉलिटी में जाइए, चाहे जियोग्राफी में जाइए, चाहे इन्वायरमेंट में जाइए, और एक हमेशा से रहा है गवर्नेंस से क्वेश्चन, पंचायती राज से क्वेश्चन आते थे, वो चीज़ें नहीं रह गई। जब हमारे उसमें जो पॉलिसी बनती है, जो सरकार की नीड है, जो पूछना चाहिए UPSC की नीड है, वो है ही नहीं। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा, अब UPSC मैं ब्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने वहाँ बैठकर और कोई ऐसा जो बढ़ाने वाला पेपर था वो पहले किसी कोचिंग में SSC बैंक रेलवे में पढ़ाता रहा हो, उसने पेपर जाके सेट किया हो,
या पहले वो SSC के पेपर सेट करता रहा हो, या फिर वो नेट JRF के पेपर सेट करता रहा हो, जो आपके UGC नेट के हैं उसके पेपर से क्वेश्चन वहाँ से उठा के रखे हों उसने क्वेश्चन, तो एक जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है, जो चीज़ें हैं लेबल है वो मिसिंग है। बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर मिस होती है कि चीज़ें यार हमने कितनी मेहनत की है, क्या चीज़ें की, रात दिन एक कर दिया है, करंट इतना मेहनत करके पढ़ा है, अब इसमें क्या ही करंट है, करंट का मुझे समझ ही नहीं आया करंट का स्टैंडर्ड क्या रखा है इसमें, इसीलिए सब चीज़ें डाउन होती जा रही हैं और लेबल वो चीज़ें गायब होते। अब मेंस के लिए आपका है, तो अगर मेंस अभी ये है कि मेंस बरकरार रख रहा है अभी चीज़ों को लेकर, तो मेंस ही ठीक है, लेकिन फिल्म सब खत्म हो चुका है। तो अगर ये चीज़ें आपको देखना है और इसका हम डिस्कशन भी लेके आ रहे हैं बेसिकली, अभी तो मैं ये कर कि आपको मैं बताऊं कि पेपर कैसे आ गया है, और इसके बाद हम एक डिस्कशन लेके आ रहे हैं, पूरा पेपर फॉलो कराएंगे, तो आपको समझ भी आएगा कितना ईजी है। अब एटमोसफेयर किससे गर्म होता है बताइए, ये शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव से क्या असर पड़ता है किस गैस में, ग्रीन हाउस गैस सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस बैलेंस बनाती है टेम्परेचर का, ऊपर से इनकमिंग और जो आउटगोइंग जाती है हीट वे हीट बजट है उससे कितने इजी सवाल इसके आए हुए हैं, जो कोरियोलिस फोर्स जब एयर ऊपर, मैंने इसका अभी हाल ही में मैंने एक वो बनाया है आपके साइक्लोन का, मैंने इसी में चैनल में पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि जब एयर जाती है ऊपर और एयर अगर इंटेंस लो प्रेशर बन रहा है और एयर बहुत तेज़ी से ऊपर राइज हो रही है, तो उसमें कोरियोलिस फोर्स भी बहुत तेज़ी से उसमें काम करेगा, उसमें अप्लाई होगा। अगर एयर की स्पीड तेज़ है राइजिंग की, तो वहाँ पर 45 डिग्री में वैसे कोरियोलिस फोर्स लगता है, और बहुत तेज़ हो गया तो वो 90 डिग्री पे लगने लगता है। यहाँ तक कि साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि अगर ये नदन पोल पे है तो क्लॉकवाइज, सदन पोल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर साइक्लोन में है तो नदन में एंटी क्लॉकवाइज और सदन में क्लॉकवाइज। तो जो मैंने वैसे तो जो मैंने पढ़ाया है सेम वहीं से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं, जो मैंने पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो मैंने पढ़ाया या किसी ने भी पढ़ाया जो UPSC का स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे। वो तो अच्छा है कि हम तो ये लगा देंगे कि भाई मेरे ये पढ़ाई वैसे देख लो, चार क्वेश्चन ये हैं, पांच क्वेश्चन ये हैं, यहाँ से इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो ईजी है। लक्ष्मीकांत आप खोलो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट, कोई स्टेटमेंट पढ़ना नहीं, कोई दिमाग लगाना नहीं है, तो एकदम वही हो गया। तो अब तो इसमें जो भी चाहेगा वो इसको बना पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको डिस्कशन में जल्दी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखिए पेसेंस, हम जल्दी आपसे मिलेंगे इस चीज़ को लेकर। और साथ ही साथ जो मैं एक चीज़ और कि ऑब्जेक्टिव ऑफ UPSC इज टू कीप, कह सकते हैं मैं क्या कहूँ आउट ऑफ द ये इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा अब आपको मैं सर लैंग्वेज में बता दूँ कि अब इसमें UPSC का जो मामला है, वैसे तो मैंने इतना बोल ही दिया है कि क्या आपको अब इसमें रख सकता है ये, और मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा वर्ड निकल तो रहे हैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें, लेकिन मैं अच्छा हाँ चलिए कोई नहीं, एक हैं आपके भट्टाचार्य जी, उन्होंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ UPSC इज टू कीप द रास्कल आउट ऑफ द रेस। अब बताइए अब आपको इनमें से आपको कैसा लग रहा है कि क्या इसमें ठीक है क्या इसमें गलत है, चीज़ें वही आती हैं, चीज़ें वही हैं सारी चीज़ें, अब लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप प्रिपरेशन छोड़ दो UPSC की, लेकिन अब UPSC के साथ साथ आप ये देखें कि आप लोगों को अगर आगे UPSC देना है तो आपको लूसेंट जैसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ये पोजिशन आ गया है अब ये समझ लो, तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो गया। ओके गाइज मिलते हैं आपसे डिस्कशन में जल्दी, थैंक यू।